जिनका नाम अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यस नाम वाले काफी खुले विचारों के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं। शादी के प्रति इनका नजरिया काफी तार्किक और बौद्धिक होता है। ये लोग यथार्थ में रहकर जीवन जीना पसंद करते हैं। एक बार ये किसी के प्रति कमिटमेंट कर दें तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने साथी की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, और ये दूसरों को कभी परेशानी में नहीं डालते। तो फिर वो अपने साथी को कैसे परेशानी में डाल सकते हैं? परिवार की हर जरूरत के लिए हमेशा आगे रहते हैं और इनकी उसी के साथ निपती है, या कहना चाहिए ये उसी के साथ रह सकते हैं या जीवन भर साथ चल सकते हैं। जो इनकी तरह ही बुद्धिमान होगा वही इनका सही जीवन साथी बन सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा। ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्ती में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते, क्योंकि इनको रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी बहुत जिद्दी भी हो जाता है और ये लोग क्रोधी भी हो जाते हैं और क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं। ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं और प्रेम के मामले में ये दिखावा नहीं कर पाते, पर जिससे प्रेम करते हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं और उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश भी करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसे सोचते हैं ये लोग। ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते, दिल के काफ़ी अमीर होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताते। जिनके साथ होते हैं उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाने का प्रयास करते रहते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं। एस नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय पर आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बातचीत करते वक्त अपनी जवान मीठी रखनी होगी। कोई भी बातें क्रोध में आकर ना बोलें, इस बात का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी शांति से और धैर्य से काम लेना होगा। हालांकि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को पूरी तरह खुश रख पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, रोमांस भी ज्यादा रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा और गलत फहमी और शंका भी आपस में देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर विश्वास की कमी आपस में होती है तो रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखकर चलें, अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें और एक दूसरे पर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचकर रहें। 15 मई तक का समय कुछ इस तरह का ही रहने वाला है और 15 मई के बाद का जो समय होगा वहां पर प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम पूरे वर्ष रखकर चलना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा और अपने साथी पर भरोसा भी रखना होगा। अगर आप 15 मई के बाद अपने साथी पर भरोसा रखकर उससे ज़्यादा प्रेम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपका प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा, रोमांस ज़्यादा होगा और एक दूसरे पर भरोसा भी मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आप शंका या गलतफहमी को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो 15 मई तक के समय में प्रेम संबंध में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे और 15 मई के बाद का समय आपको प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखा सकता है। इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को आगे ले जाने की बात भी सोच सकते हैं, यानी अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकते हैं और आप अपने साथी को परिवार वाले लोगों से भी मिला सकते हैं। आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं। वैवाहिक संबंध की बात करें, वर्ष 2025 में मिला जुला सा समय रहेगा और 14 मई तक का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है, जिसमें 29 मार्च तक का समय बेहतर भी रहेगा, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदारी अवश्य रखनी होगी। अगर आपके विवाह से अलग कहीं कोई संबंध है तो इस वर्ष आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकते हैं और रिश्ते में तनाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने शादीशुदा जीवन में ईमानदार रहना आवश्यक है। 15 मई के बाद का समय सामान्य है और जो लोग अविवाहित हैं वर्ष 2025 में उनको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। 15 मई के बाद का समय सामान्य अवश्य है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखकर चलें कि आपके रिश्ते में गलतफहमी और शंका फिर भी बनी रह सकती है
और अगर इनको बढ़ाया तो रिश्ता खराब हो सकता है। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और रोमांस भी देखने को मिलेगा, और अगर अपने साथी की बातों पर भरोसा रखा, तालमेल बनाकर रखा, तो फिर आपका वैवाहिक संबंध सामान्य रूप से गुजरेगा। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।